गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास टेंथ मैथमेटिक्स सीबीएसई सैंपल पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से हमने केवल एक ही क्वेश्चन करना होता है। तो अभी मैं समझाऊंगा दोनों क्वेश्चंस। ये दोनों ही क्वेश्चंस चैप्टर 10, जिसका नाम है सर्कल्स, में से लिए गए हैं। तो स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। जब तक हमें स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी, हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं नए नए वीडियोस डालूँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हल आपको बताने की कोशिश करूँगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये वीडियोस। तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट पहले पढ़ें, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। अब यहाँ बात आ गई टेंजेंट की। ये जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चैप्टर 10 सर्कल से लिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि टेंजेंट्स तो हमेशा सर्कल पर ही ड्रॉन होते हैं, जिसका हम सेंटर मान लेंगे ओ। अब ये कहता है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। अब एक टेंजेंट हमने ये ड्रा कर दिया, दूसरा ये ड्रा कर दिया, इसको हमने पी, एक्सटर्नल पॉइंट को पी मान लिया, ये पॉइंट ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। तो ये पी ए एंड पी बी दोनों टेंजेंट्स हैं जो सर्कल विद सेंटर ओ पर ड्रॉ किए गए हैं। इनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन, देखो ये है इनके बीच का एंगल। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मैंने अभी बताया एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इससे ये ड्रॉ किए गए हैं, इज सप्लीमेंट्री। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। कितना हो जाता है, 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। इसका मतलब एक एंगल ये है और एक दूसरा एंगल है जो आगे पढ़ेंगे। टू द एंगल सप्लीमेंट्री किस एंगल के साथ, सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। कौन सा, देखिए ये है लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, इनके बीच का दूसरा एंगल ये है। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर, सेंटर से इन दोनों का सम जो है सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम 180 डिग्री है, ऐसा हमने प्रूव करना है। अब गिवन, अब यहाँ पर दो तीन बातें हमने ध्यान देनी है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट में ही होता है, ये सब गिवन ही है जो मैंने बनाया पढ़ पढ़ के। दूसरा हम टू प्रूव लिखेंगे, ये भी इसी में है, प्रूव दैट इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये प्रूव दैट हो गया, टू प्रूव हो गया। तीसरा हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं अगर कोई है तो, हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। और चौथा हम प्रूफ लिखते हैं कि कैसे करना है, कैसे इसको सिद्ध करना है, रीजनिंग, रीजन देना, कारण देना। अब ये वन बाय वन करके हम लिखते हैं। और नेक्स्ट बात क्या है कि सबसे पहले आप फिगर बना लें, फिगर को बाद में ना बनाएं, या तो राइट साइड में पहले ही बना लें और फिर लिखना शुरू करें, क्योंकि जो कुछ भी हम लिखेंगे तो फिगर को देखकर ही लिखेंगे। तो चलिए अब हम इसको बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे, देखिए टू टेंजेंट्स जैसा कि ये कहता है वही हमने लिखना है, पी ए एंड पी बी। अब हम नाम दे देंगे, पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल
विद सेंटर ओ, उस सर्कल पर ड्रा किए जिसका सेंटर ओ, जैसे हमने मान लिया, ठीक है जी, और ओ ए एंड ओ बी आर जॉइंट, ये हमने क्यों लिख दिया, एंगल सबटेंडेड बदल जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पहले ये तो गिवन में आ गया। अब टू प्रूव में क्या है आपका, एंगल बिटवीन ये दोनों का इज सप्लीमेंट्री, तो कौन कौन सा एंगल, ए पी बी, इसको हम चाहे तो एंगल वन मान लें, इसको एंगल टू मान लें, इसको एंगल थ्री मान लें, इसको एंगल फोर मान लें, तो हमने प्रूव क्या करना है, एंगल वन प्लस टू इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ प्रूफ है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। देखिए ये पी ए ओ बी क्या है, पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है, और हमें ये मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, या सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एंगल 1, 3, 2, 4 को जोड़ दें तो 360 होगा, बट आपको पता है एंगल 3 एंड एंगल 4 जो है 90 डिग्री के हैं, क्योंकि थ्योरम 10.1 क्या कहती है, थ्योरम 10.1 ये कहती है कि ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ड्रा किया जाए, ये थ्योरम 10.1 है, इसमें दो ही थ्योरम है। तो ये 90 के हो गए, अब देखो अब 3 और 4 90 हो गए, मींस 180 हो गए, तो बचे कौन से दो एंगल, 1 और 2, तो ये कितने के होंगे, क्लियरली 180 के होंगे, क्योंकि चारों एंगल का सम 360 है, 90 ये हो गए, 180 हो गए, तो बचे वो एंगल 180 हो गए, यही हमने प्रूव करना था। तो चलिए अब हम लिखेंगे इसमें एंगल 3 एंगल 4 इज इक्वल टू 90। अब इसमें हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम 10.1, तो आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब हमने इसमें 3 और 4 कितना कितना है, 90 का है, आपने अभी ऊपर अभी लिखा है, देखिए ऊपर देखिए, अब दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 इधर रह गया, और इन दोनों को मिला दें तो 180 हो जाएगा, उस 180 को अगर इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 में से 180 गया तो कितना बचेगा, 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज से लिया गया क्वेश्चन है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, ध्यान से इसको देखें, समझने की कोशिश करें। अभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 12 का ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन हमने अभी ये कर लिया, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है, ये आपका जो अभी आपने किया है समझा है, ये आपके एक्सरसाइज से लिया गया क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है। पहले भी मैंने क्लास में बताया था जब पढ़ाया था इसको कि भाई ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कृपया इन्हें भी आप ध्यान से समझ लें। अब ये क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट समझ लीजिए इसका, इसमें क्या है कि दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं, एक फिगर बना रखी है, मैं यहाँ पर वो फिगर बना रहा हूँ, ये एक सर्कल दे दिया, ये इस तरह से दे दिया,
इस तरह से मिला दिया, इस तरह से मिला दिया, ये सेंटर ओ बना दिया, टी पी एंड टी क्यू, ये टी ले लिया, ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया, ये दो टेंजेंट्स हैं, हाइड्रान टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, समझे। और हमने क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट है जो हमारा दे रखा है टी, उससे करना है। तो क्या प्रूव करना है इसके अंदर, कि एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाला एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कह लो या डबल ऑफ कह लो ओ पी क्यू, ये वाला एंगल जिसको मैं वन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। अब इसमें फिर से मैं स्टेटमेंट को समझा दूँ, वैसे एग्जांपल है आपकी बुक का ये चैप्टर 10 से, कि टी पी एंड टी क्यू एक्सटर्नल पॉइंट टी से एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, प्रूव दैट कि एंगल पी टी क्यू, ये एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल वन, जो मैंने एंगल वन दिखा दिया छोटा सा ओ पी क्यू, इसका ट्वाइस है। तो सबसे पहले मैंने बता था फिगर बनाएंगे, फिर मैंने बता था गिवन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है जी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमने, एंगल पी टी क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये प्रूव करना। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम प्रूफ लिखेंगे, देखिए। अब इन ट्राइंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू में टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, थ्योरम 10.2 क्या कहती है, कि किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल, तो इनकी लेंथ इक्वल हो गई। अब आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि ये एंगल और ये एंगल, जिसको मैं एंगल टू मान लूँगा, इसको एंगल थ्री मान लूँगा, तो इसका मतलब हो गया एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, नंबर एक, ये आप समझ गए होंगे। अब हमें ये पता है एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, पता है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू प्लस, अब देखिए, अब एंगल टू का हम थ्री को, ये इक्वल हैं तो 2 + 2, 3 की जगह 2, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं 180 डिग्री, नंबर एक। नंबर टू इसको लिख लेंगे C1, एक से हमने ये वैल्यू ले ली है। तो अब हम, उम्मीद है ये इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने पी टी क्यू रखना है, चाहे तो हम इसको इधर ले आए या ऐसे रख लें, बाद में हम देखेंगे। अब हम पी टी क्यू पे आ गए हैं, अब हमारा दूसरा क्या है टू प्रूव में, ओ पी क्यू वे। तो हमें पता है एंगल ये ओ पी टी, क्योंकि इसी को हमने लिया है टू को, तो इसको वन हमें लेना है और टू का यूज हमने यहाँ कर लिया, तो इसको ना करके इसको देखेंगे। तो अब हम देखेंगे एंगल ओ पी टी, ध्यान से फिगर में देखिए, इज इक्वल टू 90 डिग्री, थ्योरम 10.1 के अनुसार, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है ये, क्योंकि एंगल 1 और 2 मिलाकर ये ओ पी टी है। मैंने आसान
इसको करने के लिए कि आसानी से हम समझ लें, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रख दिया है। अब देखिए एंगल 2 को हम यहाँ रख लें और 90-1 को यहाँ ले जाएं, ये 3 मान लें। क्यों कर लें 2 को? क्योंकि देखिए हमें यहाँ 2 की जगह उसकी वैल्यू रखनी है और हमें ये पता है कि एंगल 1 हमें चाहिए 2 प्रूव करने के लिए, तो 2 को तो हम ख़त्म करेंगे, तो इसका मतलब है 2 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, यानी सेकंड एंड थर्ड का यूज़ करते हुए हमें क्या मिलेगा? एंगल पी टी क्यू, ये देखिए यहाँ पर एंगल पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 2 देखो, तो एंगल 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। तो अब ये कितना होगा? एंगल पी टी क्यू प्लस 180 डिग्री खोल ले ब्रैकेट माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू, अब हम इधर पी टी क्यू रखेंगे क्योंकि हमें देखिए इधर क्या पी टी क्यू लेफ्ट में है, राइट में ले जाए बाकी को 180, ये आपका यूं का यूं ये आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो हम मैंने आपको बताया था कि एंगल 1 क्या है आपका? ओ पी क्यू। 1 तो समझने के लिए हमने लिखा था, ना लिखे तो भी कोई बात नहीं, ओ पी क्यू हमने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो आज हमने चैप्टर 12 से 2 क्वेश्चन समझे जिसमें जो बहुत ही आसान 10.1 और 10.2 थ्योरम का जिसमें प्रयोग हुआ है। उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तभी ये अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।